जिनका नाम लेते ही विश्व का भरण पोषण हो जाता है, ऐसे राम के छोटे भाई का नाम भरत है। बोलो भरत भैया की जय हो। देखो राम जी जैसा तो शायद कोई हो सकता, शायद, लेकिन भरत जी जैसा कोई नहीं हो सकता। भरत जैसा भाई किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, प्रयागराज में जब महात्माओं के पास प्रभु श्री राम पहुंचे तो प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हमने तपस्या की, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो प्रयागराज के महात्मा सोचने लगे, भैया अगर हमारी तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? और जब भरत जी चित्रकूट मनाने के लिए राम जी को गए तो प्रयागराज पहुंचे। जब प्रयागराज में महात्माओं ने भरत की दशा को देखा, उस आर्तनाद स्वर को सुना, जब दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए पांव में पनी ही नहीं और सिर ऊपर करके भरत जी कहते, भैया राम 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 राम, पेड़ों से लिपट जाते। कोई धोखे से बता दे, इस वृक्ष से राम जी टिके थे, तुरंत दौड़ करके लिपट जाते, अपने आंसू तक नहीं पहुंचते, पूछते और जोर से कहते, राम 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 राम। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है।